छत्तीसगढ़ सरकार का भी आज एक साल पूरा हो रहा है। सीएम भूपेश बघेल एक साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे और जनता को प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। सरकार के एक साल पूरा होने पर प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न मनाएंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ स्वागत होता है हेमंत शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। हेमंत, जैसा कि आज छत्तीसगढ़ सरकार का भी एक साल पूरा हो रहा है, लिहाजा रिपोर्ट कार्ड पेश करने के लिए भी एक खासा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो आज एक साल पूरा होने के उपलक्ष्य में और कौन कौन से खासे कार्यक्रम हो सकते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को एक साल पूरे हो गए हैं। 17 दिसंबर 2018 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी के इंडोर स्टेडियम में शपथ लिया था। उनके साथ दो मंत्री तामध्वज साहू और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वर्तमान में छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव, दोनों मंत्री ने उनके साथ शपथ ली थी। एक साल के पूरे कार्यकाल को देखा जाए तो जो वादे कांग्रेस की सरकार ने किए थे उसको लगभग पूरा करने का काम सरकार ने किया है, चाहे वो किसानों को बोनस देने का मामला हो, चाहे समर्थन मूल्य का मामला हो। हालांकि समर्थन मूल्य को लेकर विवाद अभी भी है और इसको लेकर केंद्र सरकार से अभी बात को जो सरकार है उसकी नहीं बन रही है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण, कांग्रेस सरकार ने कर्ज माफी जो किसानों का किया 3 दिन में, जैसे ही सरकार बनी उसके बाद 3 दिन में सभी किसानों की यहाँ पर कर्ज माफी की गई। इसके अलावा और छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा देने का यहाँ पर काम किया। अगर विशेषज्ञों की बात की जाए तो सरकार के इस एक साल के कामकाज को वो सही ठहरा रहे हैं। हालांकि कुछ चीजें जो है जो सरकार को करनी थी उसको वो, जैसे नक्सलवाद के लेकर ये प्लान बनाया जा रहा था कि ठोस कार्रवाई होगी, लेकिन उसमें अमृतमा पहनाने की कोशिश नहीं हुई। हालांकि पूरे एक साल को देखा जाए तो लगभग सफल कार्यकाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का रहा है। अगर आज की बात की जाए तो एक साल पूरे होने पर कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी नगरीय निकाय का चुनाव होने वाला है छत्तीसगढ़ में और ऐसे में आचार संहिता लगी है, इसलिए किसी प्रकार का शासकीय कार्यक्रम नहीं हो रहा है। लेकिन पार्टीगत कार्यक्रम यहाँ पर होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोपहर 12 बजे के आसपास राजीव भवन पहुंचेंगे, जो कांग्रेस मुख्यालय है, यहां पर कार्यकर्ताओं का सम्मेलन एक होगा। इसके अलावा ये उम्मीद आज जताई जा रही है कि नगरीय निकाय को लेकर कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है, क्योंकि बीजेपी ने कल अपना घोषणा पत्र जारी किया है। कई लोक लुभावन वादे उसमें हैं और महिला सुरक्षा के लिए भी बीजेपी ने उसमें बात की है अपने संकल्प पत्र में। तो आज इसी एक साल पूरे होने के उपलक्ष्य में घोषणा पत्र बीजेपी कांग्रेस जारी कर सकती है। इसके अलावा कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीधा संबोधित करेंगे और एक ऊर्जा देने का, और जो पार्टीगत निर्णय लिए गए हैं इसके अलावा जो योजनाएं हैं जो सीधे लोगों को फायदा पहुंच रही है उससे रूबरू मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यकर्ताओं को कराएंगे। इसके अलावा चुनावी टिप्स नगरीय निकाय को लेकर वो देते नजर आएंगे। ये पूरा कार्यक्रम होगा। इसके अलावा उनका बिलासपुर दौरा भी हो सकता है। बिलासपुर के मस्तूरी जिले में उनका एक कार्यक्रम होगा, वहां पर कुछ कार्यक्रमों में शामिल होंगे, लेकिन मुख्य कार्यक्रम राजीव भवन में आज होगा, जहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। उसके बाद पूरे कार्यक्रम के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर होगा। मीडिया के सामने जो वादे कांग्रेस ने किए थे और जो काम एक साल में हुआ है उसको गिनाते नजर आएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हेमंत।